आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्चते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स,
नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाड़ी नोई मुद्दल नाड़ी हदु तनिकुम वाय नाड़ी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी योगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें
अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, योगा टेल्स अस दैट सो मेनी प्रॉब्लम्स माइट बी आउट देयर बट वी हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन विद इन आवर सेल्व्स। वी आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर यूनिवर्स। वी डू नॉट रियलाइज दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ द मेनी डिविजन्स दैट एग्जिस्ट एट टाइम्स द लाइव्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन साइलोस। The divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga, a proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudev Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing is preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में
योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।